हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि आज दिल्ली डाइट एडमिशन की थर्ड कट ऑफ आने वाली थी और वो आ गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप कट ऑफ को सही तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है SCERT दिल्ली एडमिशन 2020। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है, इसीलिए ऑप्शन में आ गया है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे और इसे सर्च करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंपली आपकी जो फर्स्ट साइट आ रही है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल कुछ इस तरह की खुल जाएगी। उसके बाद आप सिंपली अलॉटमेंट लिस्ट आपको दिख जाएगा न्यू पर, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको शो करेगा कि जो आपके DPSC और DLED की कट ऑफ। तो सिंपली आपको थर्ड कट ऑफ के बारे में चेक करना है कि उसके बाद आप थर्ड कट ऑफ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मांग रही है, तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारी ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और आपको कुछ इस तरह का शो होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो थर्ड कट ऑफ की फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ और रोल नंबर और नेम, इसके साथ साथ जिन बच्चों ने चॉइस की थी अलॉटेड डाइट, वो भी आपको शो हो रही है। इसके अलावा आपको SCERT रैंक वगैरह सब कुछ डिटेल यहाँ पर दी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब बात आ जाती है, अब क्या करना है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे कलेक्ट करने हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पर भी शो हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप सभी डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। और सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने सर्टिफिकेट की भी वीडियो उसी में बना रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट डाइट में नाम आया है वो सीट को बिल्कुल ना छोड़ें और एडमिशन बिल्कुल ले लें, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग के लिए 1000 रुपये अलग से पे करने होंगे। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का प्राइवेट डाइट में नाम आया है, अगर उनको वो सीट पसंद आ रही हो तो एडमिशन ले सकते हैं, वरना फिर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। थैंक यू।